हुंड्यासाठी बायकोला मारहाण करून एका व्यक्तीने चक्क तिला मरणाच्या दारात नेऊन सोडले. ही निराशाजनक घटना गोंदियाच्या आमगाव तहसील बनाईटोलामध्ये घडली. महिलेच्या पतीने महिलेला विष खाऊ घातलेले. महिलेची अवस्था अत्यंत गंभीर असून महिलेला ICU मध्ये भरती करण्यात आले. गेल्या 4 दिवसांपासून तिची मृत्यूशी संघर्ष सुरू आहे. गोंदियामध्ये एका महिलेला दीपपूजेच्या दिवशी तिच्या नवऱ्याने विष खाऊ घातल्याची घटना समोर आली आहे. महिला 4 दिवसापासून मृत्यूशी संघर्ष करीत आहे. आमगाव तहसील बनाईटोला रहिवासी सविता धनेंद्र फुरकुंडे गोंदियातील KTSच्या ICU मध्ये भरती आहे. महिलेचा पती धनेंद्र फरकुंडे हुंड्यासाठी महिलेवर अत्याचार करायचा. महिलेच्या पतीने यापूर्वीही हातपाय बांधून तिच्यावर मारहाण तर केलीच, पण पेट्रोल टाकून तिला जाळण्याचा प्रयत्न देखील केला होता. महिलेचा भाऊ जियालाल बागडे याने आमगाव पोलिसांना मागणी केली आहे की महिलेच्या नवऱ्यावर उचित कारवाई केली जावी, पण 4 दिवस उलटल्यावरही कोणत्याही प्रकारची हालचाल होत नसल्याने जर बहिणीचा मृत्यू झाला तर सर्व जबाबदारी तिच्या नवऱ्याची व त्यांच्या परिवारांची असेल, आणि जर महिलेचा मृत्यू झाला तर आमगाव पोलीस अत्याचारी नवऱ्याला अटक करतील का असा प्रश्न देखील आता उपस्थित होतोय. VKB News साठी गोंदियावरून सतीश पारधी यांची रिपोर्ट. बड़ा लड़का हूँ. अच्छा. मैं अपने बहन को यहाँ पे अपना बनिया टोला दिए थे, काम का बनिया टोला. अच्छा. तो वो पैसे की मांग कर रहा था, उसके अच्छा. परिवार से पैसे की मांग कर रहा था. पैसे दिए, सब कुछ दिए, और मेरे जीजा है दहेगा वाले, उनसे भी मांग की. मैंने भी उसको पैसे दिया, तो पैसे नहीं दिए. उसका ड्यूटी का दिन था, उस समय की बात है, पैसे नहीं दिए तो वो दारू पी के आया. घर में हंगामा किया उसने और बच्चों लड़की को बाल पकड़ के. कौन होती है लड़की जो भर्ती है? मेरी बहन है. क्या नाम? छोटी वाली सविता धनराज फरकुंडे ये नाम है. और वो लड़की वो आया दारू पी के और लड़कियों को पकड़ा, बाल को पकड़ा और सिर को मारा उसने, पैर को और हाथ को बांध के जहर घुरा के उसको जहर से पिलाया. उसके बाद वो दवाखाने नहीं आया उस दिन से. उसका तो जेल है. कब भर्ती की दवाखाने में? दवाखाने में गुरुवार का दिन था, समय था 5:30 बजे. कितने दिन हो गए अभी? अभी आज का 4th दिन है. तो वो उसका खामिन देखने नहीं आया? गाँव अभी भी देखने नहीं आया वो. जब इसे भी दहेज भी मांग कर रहा था, दहेज पूरे सारे मंगाए थे. मेरे इधर ने भी बहुत सारा उसको पैसा दिया, हमने भी दिए, तो उसकी पूर्ति नहीं हुई. उसके कारण उसने दारू पी के टॉर्चर करता था. वो टॉर्चर से नहीं संभला. मैंने हमारे बन को टॉर्चर करता है क्योंकि उसको और पैसे मांग करता था. वो दहेज की मांग करता था लेकिन पूरा किया. उसके बावजूद ड्यूटी का समय था, वो उन्होंने दारू पी के आके लड़की को बाल पकड़ के सिर पे मारा, हाथ और पैर दोनों बांध के जहर में विष डाल के उसको पिला दिए. ननद को सही और सही इंसान मिलना चाहिए. मेरे नंदोई ने इतने अत्याचार किए हैं, उसके एक बार हाथ तोड़े हैं, एक बार पाँव भी तोड़े, फिर भी हमने सुधारे उसको. माँ बाद में पेट्रोल भी डाले हैं, फिर भी हमने उसे माफ़ करे और उसकी मांग और डिमांड पूरी करते गए दहेज के लिए. जब भी हमको पैसा मांगा, जितना जमा हमने उतने दिए. और आज मेरी ननद इस कटार पर खड़ी है, तो मौत के घाट पर है. और मेरी ननद को सही इंसाफ मिलना चाहिए. और उसको कुछ होता है तो सारी जिम्मेदारी उसके पति की है, परिवार और उसके पति की है सारी जिम्मेदारी. बाय. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.